नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी, एचसीएफ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज अपन एक ऐसे प्रोग्राम, बोले तो टेस्ट सीरीज, इस पे बात करेंगे जिसका नाम है ईओआरओ मेंटोरशिप प्रोग्राम। ठीक है, देख रहे होंगे आप। टेस्ट सीरीज थोड़ा छोटा शब्द है, इससे बड़ा है ये, थोड़ा बढ़कर है। कैसे है इस पे बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आप सबको एक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा, इतना सारा रेस्पॉन्स दिया है, प्यार दिया है, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। हम लोगों को भी मोटिवेशन मिल रहा है। और हमारा जो आप लोगों के साथ कमिटमेंट था, क्या कि आप लोग यदि हमारे से जुड़ते हो तो आपको सिंगल वर्ड भी कहीं से भी क्या करना है, सर्च करने की जरूरत नहीं रहेगी, एग्जाम तक वन स्टॉप सॉल्यूशन। ठीक है, आप हमारे से जुड़े हैं, विश्वास जताया है, तो एग्जाम तक आपको हम लोग वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट देंगे। कहीं से भी कोई भी चीज सर्च करने की जरूरत नहीं रहेगी। आज कोई चीज छूट गई है तो वो क्या करेंगे, हम नेक्स्ट डे अवेलेबल कराएंगे। और बट ये नहीं होगा कि आप एग्जाम से जाने से पहले आप लोग कुछ भी एक अंडर कॉन्फिडेंस फील करोगे। जितनी भी मार्केट है, हम ये मतलब मान के चलिए, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट देंगे आपको। कहीं कोई भी सर्च कर देंगे, कोई भी चीज़ जरूरत नहीं है। आप बेफिक्र होकर पढ़ाई कीजिए। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो हम 10 बार समझाएंगे। जो हमारा आर के अग्रवाल सर है, उनका आपने देखा होगा जो पढ़ाने का, जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस के साथ वो बता रहे हैं, क्योंकि सर का काफ़ी सालों से प्रैक्टिकली जो है उसके साथ उनकी, सर की बुक्स भी आती है। ठीक है, और साथ में जूम सेशन भी ले रहे हैं ताकि किसी बच्चे के स्टूडेंट डाउट हो तो वो भी करेंगे। तीसरा चीज़ कि जब एक बार कोर्स हमारा, जैसे अभी दीपावली तक ख़त्म हो जाएगा हमारा, सारे नोट्स जो वीडियो लेक्चर है वो दीपावली तक, इस 1 तारीख तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा कोर्स पार्ट बी। तो जो बुक है हमारी, पहले हम नोट्स देना जा कर रहे थे, लेकिन अब हम उस बुक फॉर्म में देंगे। एक बुक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ होगी आपके लिए, वरदान साबित होगी वो बुक, क्योंकि उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में लैंग्वेज लेके आ रहे हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में है। कुछ मैंने देखी बुक्स, वो क्या होता है कि वहाँ इजी लैंग्वेज करने के चक्कर में और शॉर्ट करने के चक्कर में काफ़ी इफेक्ट स्किप कर दिए। कुछ और टीचर बोल रहे हैं कि नहीं, आपको तो ओनली धाराएं पढ़नी है, 344 धाराएं। उनको ये भी नहीं पता है धारा 344 तो अपने टोटल पढ़नी नहीं, 17 चैप्टर में से 9 ही पढ़ने हैं अपने को। ठीक है, अपने सिलेबस के बाहर नहीं जाना, लेकिन सिलेबस के डीपली थोड़ा जरूर जाना है। सेक्शन, सब सेक्शन क्लोज पढ़ने, कौन से पढ़ने कौन से नहीं पढ़ने, क्योंकि एक आप इस चैलेंज पूरे कंटेंट में यह देख रहे होंगे कि एक लाइन को, ये लाइन यहां शुरू होती है और इसको ऐसे कर करके पूरे पैराग्राफ में एक लास्ट तक खत्म हो जाती है। तो हम जो कंटेंट तैयार कर रहे हैं, हमारे लिए भी काफी बड़ा चैलेंज हो रहा है कि यहां से यहां से यथा संभव लगा के राज्य सरकार द्वारा ऐसे काफी लंबी लैंग्वेज, क्लिष्ट भाषा यूज करके पूरा अर्थ का अनर्थ कर देता है। तो आप इतना कुछ चीज रेडीमेड मिल रहा है तो आप उसको अच्छे से यूज कीजिएगा। आप टेलीग्राम पे, यूट्यूब पर माथा मार रहे हो। मैं ये मानता हूँ कि टेलीग्राम और इनपे माथा मारने का कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब कभी आपको एग्जाम में सिलेक्शन नहीं दिलाता है, वो एक आपको सपोर्टिव सिस्टम में काम करता है। जो बोल रहे हैं ना, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत अड्डिया पढ़ा रहा हूँ, हाँ ठीक है पढ़ा रहा है, लेकिन वो आपको कभी कंप्लीट फुलफिल नहीं कर पाता है। क्योंकि चाहे हम मान लो या कोई भी मान लो, यूट्यूब ओनली एक कमर्शलाइज हो गया, जो अपना एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका है बस। कुछ स्मार्ट स्टूडेंट है वो, जो ठीक है, वो अच्छे से सर्च करके अपना जितनी चीज़ की यूज चीज़ें वो निकाल लेते हैं, वरना यूट्यूब सर्च करने जाता कुछ और, वो देखने कुछ और लग जाता है। टेलीग्राम पे चैटिंग करने लग जाता है, डेली क्विज के चक्करों में पड़ा रहता है, कंटेंट मारा मारी रहती है, मुझे बुक्स बता दे कौन सी अच्छी चल रही है, मैं कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ, मैं कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि सब कोचिंग और टेस्ट सीरीज का क्या करोगे, आप डेमो वीडियोज लो, और स्टार्टिंग में हर कोई अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वीडियो जो होता है ना वो देता है। ठीक है, हम भी हमारा जो बेस्ट वीडियोज हो गए वो डेमो में डालेंगे, सारे कोचिंग वाले से करते हैं। बट एग्जाम हॉल में क्या काम आएगा, आपका कंटेंट काम आएगा। और वो कंटेंट है ना, जब एग्जाम में आप लोग हमारे को दुआएं दोगे तो हमारे लिए वही सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। तो आप बेफिक्र रहिए, हम के साथ जो जुड़े हैं ना, तो आपका विश्वास, जैसे आपने हमारे पर विश्वास दिखाया और अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, और स्टूडेंट भी जो आ रही है काफी तारीफ आ रही है सर हमारे को बहुत अच्छे से अब जाकर रिलैक्स पढ़ रहा है। क्योंकि अपने को क्या है ना, 30+ स्कोर करना है। फिर मैं बोलता हूँ कि 30+ स्कोर करने के लिए मान के चलिए 25 तक तो सर कोई आएगा, जो एवरेज स्टूडेंट है, जो अच्छे खासी पढ़ाई कर रहा, सेल्फ स्टडी कर रहा, वो भी आ रहा है। लेकिन अपने को क्या, 30+ स्कोर करना है। और आपने एक
देखा होगा ना कि एक एक क्वेश्चन को जो 25 से 30 प्लस स्कोर कर रहा है, वो 30 प्लस स्कोर कर रहा है, तो एक एक क्वेश्चन के लिए आपको पसीना आ जाएगी। उसेन बोल्ट क्या करता है, उसेन बोल्ट भी क्या करता है, यदि उसको एक एक माइक्रो सेकंड तोड़ने के लिए 6-6 महीने लग जाते हैं, तो 25 तक तो इजीली स्कोर हो जाएगा, लेकिन आपको 30 प्लस स्कोर करना है तभी आप सेफ पोजीशन पर होगे। और मैं बोल रहा हूं कट ऑफ का मान के चलिए 90 से 100, यदि 90 प्लस है तो थोड़ा बहुत हो सकता है, और जो 100 के समथिंग स्कोर है वो एक सिक्योर पोजीशन पर रहेगा, चाहे पेपर इजी हो चाहे टफ हो, ये लिख के ले लो आप आज मेरे से, ठीक है? क्योंकि हर कोई स्टूडेंट क्या करेगा, एवरेज स्कोर तो करेगा, लेकिन सिलेक्शन क्या लेगा, जो आपके ऊपर वाले 10 क्वेश्चन है 90 से ऊपर वाले, वो एक एक क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही करना तो ऐसा मानिए, वो एक एक कराना, तो आपको ना तो कोई टेलीग्राम हेल्प करेगा, ना आपका यूट्यूब हेल्प करेगा, ना एक कोई सिंगल किताब हेल्प करेगी। मैं बोल रहा हूँ किताब पढ़िए, टेस्ट सीरीज क्वेश्चन से कोचिंगों से कुछ नहीं होता है, पढ़िए, लेकिन सही कंटेंट और राइट टाइम पर वो कंटेंट, वो बहुत जरूरी होता है, उसके बिना भटकाव बहुत खराब होता है, वो एक तरह से जहर का काम करता है। क्योंकि एक यूट्यूब पर वीडियो देखा, अगला देखा, फिर तीसरा देखा, टाइम खराब हुआ, किसी को एक बुक को फॉलो किया, किसी कोचिंग को फॉलो किया, फिर एक टाइम बाद आपको लगा कि नहीं हम कहाँ, अगर हमारे को समझ में नहीं आया, तो इससे अच्छा है कि आप सही टाइम पर सही डिसीजन लें, ठीक है? तो उस पर बात करेंगे अपन साथ में। वन स्टॉप सॉल्यूशन जो मैंने वर्ड बोला है, इसका मतलब क्या है, देखो कुछ स्टूडेंट है जो क्या कर रहे हैं, सीईटी जैसे आरएस का एग्जाम दे रहे हैं, सीईटी का दे रहे हैं, अदर एग्जाम जो भी हो, रीट मान लो या जूनियर अकाउंटेंट, और भी क्योंकि कुछ जॉब वाले भी हैं दुविधा में कि हम इनको कैसे मैनेज करें, ठीक है? होता ही है ऑब्वियसली, हर स्टूडेंट का आता है, और ये सबसे बड़ा एक्सक्यूशन होता है कि ईओ पे बहुत कम पोस्ट है, तो हम ईओ पे फोकस करें नहीं करें, इतना सारा कंपटीशन है, ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। देखो इसमें काफ़ी लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं, जैसे आप इस पोस्ट को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी बड़ी पोस्ट है, कैसे कि आप इसको आरएस के इक्विवेलेंट बोलो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और मैं तो बोल रहा हूँ कि सिंगल वन डे एग्जाम जो हो रहा है उसमें सबसे बड़ी पोस्ट है ये, इसकी पावर इसमें देखा अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें वित्तीय और प्रशासनिक पावर दोनों है, तहसीलदार और SDM इसका एक कॉम्बो है, तो काफी अच्छी पोस्ट है, ऐसा गोल्डन चांस शायद ही आप लाइफ में 5 साल 7 साल बाद में आया है, दोबारा नहीं आएगा। एक अच्छी न्यूज आपकी जो भी थी, आपकी पोस्ट बढ़कर ज्यादा वो हो गई, वो न्यूज ना तो कोई गुमराह करने की थी, ना हमें कोई एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका था, सत्य बात थी। दूसरा जो हमने वो भी बताया था डेट का लेके, वो भी प्रूफ कर चुके हैं, जो हमारे खिलाफ भी कुछ काउंटर करने के लिए वीडियो बनाए थे वो लोग भी मान चुके हैं कि हाँ ऐसा कुछ हलचल चली थी, फिर ऐसा कुछ हो रहा था। रीओपन का मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, उसके लिए एक कुछ लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं, शायद ओपन होने का हमने हमारी तरफ से स्टेटमेंट दे दिया था और उनके साथ जुड़ के काम कर लिया, इसके भी काफी काफी आई थी, लेकिन मैं लास्ट में इसको भी बता दूंगा क्या क्या नहीं, ठीक है? तो अपन आज इस वीडियो के अंदर सबसे पहले जो जॉब में है, मोस्टली लोग इस प्रिपेयर कर रहे हैं इसको क्योंकि उनके पास जॉब है, तो एक बड़े एग्जाम की रिस्क लेने की उनके पास पोटेंशियल है, और दूसरे जो जिनके पास जॉब नहीं है वो लोग भी क्या कर रहे हैं, इसको काफी अच्छे से सीरियस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मई तक एग्जाम है, और आप लोगों को डरने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल ही। कुछ लोग बोल रहे हैं सर आरएस का जो अलाइड है ऑलरेडी, वो लोग भी इसमें तैयारी कर रहे हैं। हाँ आरएस अलाइड तो क्या, आरएस अलाइड के लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। कैसे, एक बंदे का मेरे पास कॉल आया, वेस्ट बंगाल से था, राजस्थान का था, मूल निवासी, होता है जो राजस्थान से बाहर चल जाते हैं, फिर वो चाहते हैं कि ऑफिसर बनना, राजस्थान में आना चाहते हैं, तो कहते हैं कि बाहर का कलेक्टर और राजस्थान का एसडीएम बराबर है, सेम बात है। तो अलाइड आई एस है वेस्ट बंगाल, शायद नॉर्थ ईस्ट राज्य में, वो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो सोच रहे हो ना कि कितनी गंभीरता है इस एग्जाम को। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग इसमें क्यों आ रहे हो, तो बोला कि सर हमें सबसे पहले राजस्थान में एंट्री लेनी है, और आरएस के एग्जाम एक थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है और काफी लंबा है, लेकिन ये एक सिंगल एग्जाम वन डे एग्जाम है जिसको लेके भी क्या कि सीधे आरएस के इक्विवेलेंट अपन ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है? तो मैं ये डराना नहीं चाह रहा, इतना कंपटीशन होते हुए भी, इतनी पोस्ट होते हुए भी आप लोग इसको बहुत अच्छे से डील कर सकते हो, चाहे उसको इस एग्जाम में कुछ भी नहीं आ रहा होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पार्ट है हमारा बहुत अच्छा है, तो पार्ट भी हम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस आगे बताऊंगा मैं इसकी हकीकत कि उनका स्टैंड और इस एग्जाम को लेके वो कितना
स्टैंड कर रहे हैं। अगली बात हमारा होगा कि इसमें वीडियो में जैसे शेड्यूल है, टाइम टेबल है, जो भी टेस्ट सीरीज का मैं बताऊंगा कितने टेस्ट है, 65 डेली टेस्ट है, डीपीटी मैंने जो अभी वर्ड यूज किया था तो इसका भी मैं बताऊंगा आगे, फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा, प्रोमो कोड बताऊंगा जो पहले 100 स्टूडेंट है उनके लिए। इसलिए आप क्या करना कि इस वीडियो को, चलो ठीक है थोड़ा लंबा भी हो जाए, और स्किप करने से पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट इस ईओ के बारे में थोड़ा बहुत भी सोच रहे हैं और टाइम पास स्टडी नहीं करना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को अंत तक देखें, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए 1.5 कर लीजिएगा, बट इस वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। तो अपन शेड्यूल की बात कर ली, फीस की बात करेंगे, और जो भी एग्जाम में कंपटीशन मैंने अभी बोला था, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर फॉर्म कितने आए क्या नहीं आए, तो इसका अपने पास कोई इतना आधार नहीं है, तो अभी मैं थोड़ा सा आइडिया बता दूंगा। कुछ बोल रहे हैं सर स्टूडेंट कि सर इसमें सेफ स्कोर कितना है, कंपटीशन कितना है, तो थोड़ा सा मैं एक बेसिक बता सकता हूँ, इसमें कुछ नहीं है, तो इसमें वन बाय वन बात करेंगे। सबसे ये है कि टेस्ट सीरीज देखो सभी मार्केट में आती है, टेस्ट सीरीज हर कोई चला रहा होता है, वीकली होता है, देते हैं स्टूडेंट ये सोच के चलते हैं कि हम सर अभी पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद देते हैं, क्योंकि हम भी ऐसे ही पढ़ रहे हैं, हम भी करते हैं कि सर पहले अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है तो फिर हम क्या एग्जाम दें, होता है ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन मैं ये बोलूं कि वो उस टेस्ट सीरीज को उस टेस्ट सीरीज से ना जोड़े, ये टेस्ट सीरीज अलग है, ये आपको डेली पढ़ने के लिए आपको इतना बाउंड कर देगी, एक डिसिप्लिन और एक जो बोलते हैं कंटिन्यूटी, जो कंसिस्टेंसी आती है, जो रेगुलरिटी आती है, बाउंडेशन, वो एक आपके अंदर लाके रख देगी ये मोटिवेशन, ठीक है। क्योट है, क्योटेशन, उसको आप पढ़ लीजिएगा, इसका मीनिंग बता रहा हूं मैं ओनली। क्या होता है कि जब अपन किसी चीज को, एथिक्स में पढ़ा होगा आपने भी, किसी हर चीज में आप डेली करते हो, वो रेगुलरली एक डिसिप्लिन में वो होती है, तो फिर वो क्या करता है कि इतनी कंसिस्टेंसी के साथ करने से क्या होता है, वो आपके एक नेचर में, बिहेवियर में आ जाता है, और यही एग्जाम में अपने को जरूरी होती है। कैसे कि आप 10 घंटा पढ़ते हो किसी एग्जाम को और 3 दिन पढ़ा और आगे 4 दिन आपने क्या कर दिया, खराब कर दिए, ठीक है। ऐसे होता है, वीक में आप 15 दिन पढ़े और 15 दिन खराब कर दिए, क्योंकि एग्जाम मई तक है, तो मई तक आप कैसे टिक रहना है, यही है ना बहुत बड़ा चैलेंज। और इसी चैलेंज को क्या करेंगे पूरा करने के लिए, इसका सोल्यूशन करने के लिए, जो रामबाण औषधि है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं कि जैसे मान लो कि आप स्टूडेंट है, वो डे वन से पढ़ता है और मई एग्जाम आएगा, तब तक क्या होगा, अलग अलग बिखर जाएंगे, कोई किसी एग्जाम में चल जाएगा, कोई 5 दिन पढ़ेगा, कुछ होता है, मान लो 500,000 फॉर्म भरते हैं, तो उस भीड़ को मत देखिए कितने लोग सारे एग्जाम करें, ऐसे तो हमारे भी कितने 400-500 लोगों ने कोर्स खरीदा, तो ऐसे थोड़ी सारे बन जाएंगे। फीस आती है, एक स्मार्ट स्टूडेंट कैसे स्टडी करता है, वो डे वन से स्टार्ट करता है, ऐसा नहीं कि वो पढ़ता है फिर बाद में टेस्ट अटेम्प्ट करता है, तो इस पर बात करेंगे अपन आगे। अब आता है इसका टेस्ट सीरीज का, मैं पहले सबसे पहले शेड्यूल बता देता हूं पूरा टेस्ट सीरीज का, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। 1 नवंबर से स्टार्ट हो रही टेस्ट सीरीज आपके सामने है, ठीक है। 1 नवंबर का मतलब 1 नवंबर का ही आप दीपावली मना के आइए अच्छे से, और फिर उस एग्जाम को अपन अच्छे से डील करेंगे। तब तक आपको क्या करना है मैं बताऊंगा, कितने टेस्ट है इसके अंदर, 65 काफी है, बहुत ज्यादा टेस्ट है, और इनको कराना भी काफी बड़ा क्या है, चैलेंज है, बट हम इसको बहुत अच्छे से कराएंगे और आप लोग भी इसके साथ जुड़ के काफी ऐसे कॉन्फिडेंस फील करेंगे। 50 के ऐसे में डेली में आके डिटेल में बताऊंगा, मैं अभी इतना सा बता रहा हूँ आपको कितना टेस्ट है क्या है, 50 डेली टेस्ट है, 10 वीकली है संडे टू संडे, और 5 बाद में क्या फुल टेस्ट है। इसकी कोर्स की ड्यूरेशन भी मैं बताऊंगा कितनी है। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको थोड़ा सा फटाफट बता देता हूँ कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। पहला कि ये जो टेस्ट सीरीज है इसको हमने बोला डीपीटी, डेली प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है, डीपीटी, तो डेली, और दूसरा क्या वीकली, इस दोनों के थ्रू अपन क्या करेंगे टेस्ट देंगे, और इसमें क्या रैंक भी डिसाइड होगी डेली। आप टेलीग्राम पे क्विज करते हो, यूट्यूब पे मारते हो माथा, सब जगह करते हो, कहीं भी नहीं जाना आप, डेली आपको टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट होगा, और आपका उसी दिन एवेल्यूएशन होगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। आप कोई फीस मायने नहीं रखता, इस बार मान के चलिएगा आप दीपावली को एक ड्रेस कम ले लीजिएगा,
आप एक लाइब्रेरी में बाउंडेशन के लिए तो जाते हो ना कि हम सर वहां पे अच्छा माहौल मिलता है और हम अच्छे से पढ़ सकें, तो वही एक मान लीजिए कि यहाँ एक बाउंडेशन के लिए एक बार जुड़ने के बाद आपको डेली आएगी कि शर्म आएगी कि सर आज किसी को बोले यार आज मेरा टेस्ट था और हमने मैंने दिया नहीं, फिर कल और आएगा ऐसे करके क्या है कि बाउंडेशन आ जाएगी और आपका एक रैंक यार मेरे तो स्कोर ऐसे ही आ रहा, मैंने पढ़ के नहीं दिया, कल मैं पढ़ के दूंगा। देखा होगा ना जैसे IIT वगैरह ये कोचिंग वगैरह होती है, जो भी IIT JEE और जो भी होती है PMT के लिए, उनमें यही होता है और डेली एक होता है टेस्ट होता है उनका और इवेल्यूएशन होता है, तो वही एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। यदि स्टूडेंट से जुड़ जाता है तो एक बाउंडेशन आ जाती है और डेली उसकी इवेल्यूएशन होता है, उसकी प्रोग्रेस होती है कि कितना क्या अपन स्टैंड कर रहे हैं। डेली टेस्ट देंगे, टास्क देंगे कि इस टॉपिक देंगे, बताऊंगा मैं आगे डिटेल में सारा सब चीज। दूसरा फिर उसका टेस्ट लेंगे, एक टाइम फिक्स होगा कि आज पूरा पढ़ लिया और उस पढ़ने के बाद में जो भी टाइम हुआ फिक्स टाइम दे देंगे हम, जो भी शाम का टाइम होगा 7-8 बजे, मैं रफली आइडिया दे रहा हूँ, सारा डिटेल में इसकी PDF वगैरह सारा आपको टेलीग्राम को जो लिंक दिया हुआ है उसमें मिल जाएगा आपको। और संडे को उसके बाद क्या कि जो अपन डेली लिया उसका संडे को टेस्ट हो जाएगा, कंप्लीट जो एक वीक में पढ़ा था उसको संडे को टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे करके अपन 10 वीक इस प्रोग्राम को साथ में जुड़ेंगे। पर्सनल गाइडेंस होगा, जैसे किसी की तरह के कोई पढ़ने की प्रॉब्लम आ रही है सर मैं कहाँ से पढ़ेंगे, तो हम सोर्स भी बताएंगे। और मैं एक बात यही जोड़ना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं है, क्वेश्चन आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर के एग्जाम में, RS के एग्जाम में, कि जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं येलो केयर पेज वाली जो टेलीग्राम चैनल पे हमने डाल दी है, आप वो देखना एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ रहा है, लाइन ऊपर की लाइन एज इट इज आ रही है क्वेश्चन। फर्स्ट ईयर के सारे पेपर GK का देखना, अपन सोल्व कराएंगे फर्स्ट ईयर के, और RS के जितने भी पेपर्स हुए हैं, चाहे SI में RPSC में पूछे, RPSC के थ्रू एग्जाम हुए, चाहे SI में हुए हैं, चाहे RS में हुए हैं, चाहे किसी भी टीचर से एग्जाम हुए, तो सब अपन सोल्व करेंगे। और सबसे पहले क्या उनमें जो राजस्थान अध्ययन की बुक आ रही राजस्थान बोर्ड की वो इंपॉर्टेंट है, और वहीं से अपन क्वेश्चन बना रहे हैं पूरे, ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं है। तो काफी अच्छी मेहनत कर रहे हैं हम। फीडबैक हो, किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी मैं बता दूंगा, डिस्कशन करेंगे इसका, डिटेल सॉल्यूशन भी करेंगे, एनालिसिस, जब जितने भी पेपर हो रहे हैं इन सब पेपर का क्या करेंगे अपन, एनालिसिस कराएंगे वीकली। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है ये पेपर, जय श्री जय, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डाउट नहीं आएगा। जो GK का रहेगा, GK का पेपर हिंदी में रहेगा मोस्टली, लेकिन उससे जितने भी टेक्निकल वर्ड्स है ना सारे सारे इंग्लिश में रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश बनाना इजी नहीं होता है, तो इंग्लिश के टेक्निकल वर्ड डाल देंगे, बाकी पार्ट भी है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगा। जो हमारी नोट्स है वो भी हिंदी इंग्लिश में, जो बुक आ रही है मैं बताऊंगा वो भी हिंदी और इंग्लिश में है। कुछ स्टूडेंट है जैसे मान लो वो आज नहीं देख रहे प्रोग्राम को, कुछ टाइम बाद में देख रहे हैं 1 नवंबर के बाद में, तो वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे मैं डेली नहीं देना चाहता, मैं वीकली देना चाहता हूँ, उसका भी एक सोल्यूशन बताएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए और आप जुड़ जाइए, फीस को ध्यान में मत रखिएगा। एक बार आप फीस दे दीजिएगा, जमा करा दोगे तो एक बाउंडेशन आ जाएगी कि हाँ मैंने किया है। कोई भी चीज़ फ्री में करते हैं तो फिर क्या होता है कि उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है। तो ये 3 चीज़ है इसमें। आगे ये वीकली है, मैं वीकली टॉपिक वाइज है, मतलब वीकली है कि इस वीक को कौन सा टॉपिक होगा। आप देख रहे होंगे कि हमने जो राजस्थान की हिस्ट्री है इसको भी 3 भागों में बांटा है, ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री। पहला जो वीक है वो कब चलेगा, 1 से लेके 6 नवंबर के बीच में, ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री है, पहले वीक में क्या है, राजस्थान का जो प्राचीन, ठीक है, एंशियंट है, और जो मेडाइवल है वो रहेगा। मैं इसका डिटेल में बताऊंगा, जो DPT है ना डेली, देखो मैं बता देता हूं इसका सारा, ये सारा DPT वाला डेली वाला है, मैं इसमें पूरा अच्छे से 1 बाय 1 डिटेल में बताएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे बाकी बातों पे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ। सेकेंड वीक में क्या है, जो 7 से लेके 13 नवंबर के बीच में है, मॉडर्न हिस्ट्री। एक वीक में एक बंदा इतना कर सकता है, और एक डेली क्या कर सकता है, टॉपिक क्या होगा डेली का वो भी हम बताएंगे। थर्ड वीक है उसमें आर्ट एंड कल्चर है, ऐसी ज्योग्राफी की बात है तो ज्योग्राफी को 2 भागों में बांटा है, एक जो फिजिकल ज्योग्राफी है, को एक इकोनॉमिक जियोलॉजी है। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़े या नहीं पढ़े, इकोनॉमिक सर्वे में क्या पढ़ना है वो हम बताएंगे, इतना सा ध्यान रखना है। ज्योग्राफी और राजस्थान की इकोनॉमिक्स ज्यादा में डिफरेंस नहीं है, लेकिन अपने ओनली क्लियरली लिखी है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक है जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसका पोर्शन अपन इकोनॉमिक सर्वे में से थोड़ा सा कलेक्ट करेंगे, और वहां से भी अपन क्वेश्चन बनाएंगे और वहां से भी पढ़ेंगे। इसमें कि जो
इसका दार्शनिक भाग है, संविधान सभा वगैरह आगे बताएंगे। दूसरे में है जो संसद वगैरह है, आगे देखेंगे इसका, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है। और जस्ट इसके आगे क्या है, राजस्थान की, इसमें थोड़ा सा आप इसको देखना, इसमें दोनों में हमने चेंज किया है, क्या कि जो इंडियन पॉलिटी है इसमें आप जब संसद पढ़ते हो ठीक है, तो आप क्या पढ़ोगे, राज्य की विधानमंडल, ठीक है। जब आप पढ़ रहे हो राष्ट्रपति तो आप क्या पढ़ोगे साथ में, राज्यपाल। ऐसे ही आप पढ़ोगे जैसे प्रधानमंत्री तो मुख्यमंत्री। तो हमने क्या किया, यहीं पे यही चीज किया, जैसे आप से काफी बड़ा टॉपिक है संसद प्रधानमंत्री वाला, इसी के बाद में जस्ट अपने क्या है जो राजस्थान में पोर्शन है, आप सिलेबस देखोगे तो आगे डिटेल में इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसमें देखना जाके तो लिंक मिल जाएगा आपको, और मोबाइल नंबर आपको दिख जाएगा, दे रखे हैं नीचे स्लाइड में भी, और वहाँ टेलीग्राम पे या इसके डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, व्हाट्सएप सारा सब कुछ दे रखा है। इसके बाद जैसे अपन सेकेंड वीक में आते हैं, मतलब इस इंडियन पॉलिटी के थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में क्या है, ये थर्ड पार्ट है ठीक है, थर्ड पार्ट में वही है जो बचा हुआ है जैसे आयोग वगैरह है, और फिर वापस राजस्थान में आते हैं तो वही भाग में जो राजस्थान के आयोग और संस्थाएं हैं जो लोक नीति है, फिर आगे अपन क्या करते हैं फुल टेस्ट आते हैं 15 जनवरी से ठीक है, और 12 फरवरी तक चलते हैं, ये आगे डिटेल में जाते हैं। अब आता है इसका डेली प्रैक्टिस टेस्ट, डेली टॉपिक क्या रहेंगे ठीक है, जो टॉपिक पहला वीक मैंने बताया था, फर्स्ट वीक 1 से लेकर 6 नवंबर के बीच में बताया, मैं फटाफट बता रहा हूँ चीजें, इसके मैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे बात करना चाह रहा था, तो पहले इसको शेड्यूल को देख ले अपन। डे वन में आप देख रहे होंगे ना जो मैंने प्राचीन और मध्यकालीन भारत देखा पार्ट ए के अंदर ठीक है, मैं ये देख रहे हैं, दिख नहीं रहा क्लियर, लेकिन आप पीडीएफ ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको, तो वहां से देख के साथ में इस वीडियो में देख सकते हो प्रिंट आउट लेके, और जो कोई सिलेबस को देखना चाहते हैं अलग अपने सेल्फ स्टडी के लिए फॉलो करना चाह रहे हो तो इस पीडीएफ का प्रिंट आउट लेके आप सेल्फ स्टडी के लिए भी अच्छे से इसको अपने शेड्यूल को और टाइम टेबल को बना सकते हो ठीक है। अब आते हैं अपन पहले दिन, पहले दिन में क्या है जो राजस्थान की जितने भी सभ्यताएं हैं, ये दिख नहीं रहा मैं बता रहा हूं, आप ये पढ़ लोगे पहले, इतना तो पढ़ सकते हो एक दिन में, दो तीन तीन घंटे का मुश्किल से ये टॉपिक होगा, दो तीन घंटे का, चाहे वो नया पढ़ रहा है चाहे रिविजन कर रहा होगा, रिविजन कर रहा होगा एक घंटे का टॉपिक होगा उसके लिए, जो रिविजन कर रहा है मान लो जिसका पहले से पढ़ा हुआ है, तो भी मैं क्या बोल रहा हूँ कि पढ़ावा है तो उसका मैं बताऊंगा कि वो भी कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्यों, क्योंकि आप देख रहे होंगे ना कुछ लोग बोलते हैं सर हमारा पार्ट ए तो बहुत अच्छा है ठीक है। अच्छा होने का मतलब क्या है मैं ये बता देता हूँ, अच्छा होने का मतलब ये है कि आप 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, 80 में से कितने कर दोगे, एक बार स्टैंड बोलने से नहीं होते मैं 75 अटेम्प्ट कर दूंगा मेरे 60-70 तो सही हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप पहले वाले अपना एग्जाम में परफॉर्मेंस देखिए कि 100 क्वेश्चंस करके आए थे, 100 में से आपने कितने 60-65 क्वेश्चन, कुछ लोग आर एस सिलेक्टेड होते हैं अलाइड में या इंटरव्यू देके आते हैं, वो क्या होते हैं प्री में फेल हो जाते हैं, आई एस सिलेक्टेड होते हैं लेकिन प्री में फेल हो जाते हैं, तो इस घमंड में मत रहिएगा कि मेरा अच्छा है, अच्छे का मतलब मैं तभी मान के चलता हूं कि इस एग्जाम के लिए कट ऑफ क्या हो सकती है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप 80 में से यदि 65 से 70 स्कोर कर रहे हो ना, 70 प्लस मिनिमम बता रहा हूँ 65 और 70 प्लस 70 के समथिंग स्कोर कर रहे हो, तब जाके मान के चलिए कि आप 80 में से अच्छा स्कोर है आप और आपको अच्छे से आता है। और यदि आप पार्ट बी में आप 30 प्लस स्कोर नहीं कर रहे हो तो फिर मान के चलिए कि आप रेस में नहीं हो ठीक है। तो अच्छे बुरे की डेफिनेशन आप जब हमारे साथ डेली जुड़ोगे टेस्ट दोगे और आपका स्टैंड पता चलेगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, जैसे आपकी रैंक आएगी वैसे। आप सेकंड वीक सेकंड डे देख रहे हो जो इसमें देर का ऐतिहासिक केंद्र वगैरह और समाज धर्म साइंस करते हो, और इसके साथ क्या एक टॉपिक हमने जोड़ दिया गुहिल वंश। ऐसे डे थ्री क्या है, डे थ्री क्या है प्रतिहार और चौहान, और ऐसी डे फोर में परमार और राठौड़ और सिसोदिया और कछावा, ऐसे डेली ठीक है आपको ये पढ़ लिया। ये थोड़ा सा क्या होता है हिस्ट्री का 70% का मान के चलो या 60% मान लो, और आता कितना ये 60% है लेकिन आता है 40% भी नहीं आता है, मुश्किल से दो तीन क्वेश्चन आते हैं क्या आते हैं जो भी होता है, लेकिन अपने को पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन एक दिन में अपन दो चीज ही पढ़ सकते हैं इतना। तो पार्ट बी की बात कर रहा हूं मैं, पार्ट बी में पहला जो वीक रहेगा उसमें क्या है, नगरपालिका गठन और शासन,
ठीक है। और उसमें साथ नगरपालिका का जो सामान्य परिचय है, वैसे नगरपालिकाएं कितनी है, क्या है, थोड़ा बहुत आइडिया, करंट अफेयर भी इसमें साथ में रहेंगे, तो कुछ चीजें वो सामान्य हो गया। पहला डे है डे वन, जैसे आपने सभ्यताएं पढ़ ली और उसी दिन क्या पढ़ लिया आपने, ये सेक्शंस पढ़ लिए, और ऐसे आपने क्या किया आगे ये पढ़ लिया। तो मैं एक सेकेंड डे आपने क्या पढ़ा, 11 से लेकर 20 सेक्शन पढ़ लिया, कितनी धाराएं, 11 से लेकर 20 तक जो धाराएं थी पढ़ी। ऐसे डे थ्री में आपने 10 धाराएं और पढ़ी, और शाम को हर दिन टेस्ट दिया, ठीक है। तो आपको क्या हुआ कि आपको एक टारगेट मिल गया कि आज मुझे पढ़ना क्या है, कोई जॉब वाला है, मैं थोड़ा सा यही बता देता हूँ, ये आपका पहला वीक हो गया। ऐसे आगे नेक्स्ट वन वीक मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं यही थोड़ा सा एक आइडिया बता देता हूँ आपको, कोई जॉब में है या वो कोई क्या कर रहा है, आरएस की तैयारी कर रहा है या सीईटी की तैयारी कर रहा है, और वो मान के चलिए कि मैं सर इस आरएस के लिए, इस एओ के लिए क्या हूं, सीरियस हूं सर, मैं सर लास्ट एग्जाम है मेरा, और सर ये मेरा पहला एग्जाम, मुझे ऑफिसर बनना, और मैं एक लाइन बोल रहा हूं यहीं पे ही, ये जो सरकार जा रही है ना, अभी अभी तक ही है वैकेंसी सारी, उसके बाद सरकार का कायापलट जो पलट होती है, एक्सचेंज होती है सरकार, उसके बाद कोई वैकेंसी वगैरह नहीं होती है, 1-2 साल के लिए ठंडा पड़ जाता है मार्केट पूरा पूरा। तो आपके पास इतनी बड़ी ऑफिसर ऑफिसर रैंक की वैकेंसी आई है ना, तो सीरियस हो जाइए और इसको अच्छे से लीजिए एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, मैं बता रहा था जो आरएस वाले हैं या जॉब वाले हैं, आप दिन का एक टॉपिक इतना सा पढ़ सकते हो, सभ्यता आपको पढ़ना है, कभी भी पढ़ सकते हो आप, और ये जो धारा है ना 10, ये पढ़ सकते हो। इसके साथ में आप क्या कर सकते हो, बाद में जॉब वाला है इतना टाइम निकाल सकता है 4 से 5 घंटा, आप जरूरी अभी यो के लिए 8 घंटे पढ़ो, 8-10 घंटे, ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे आप इतना पढ़ोगे, तभी 4-5 घंटे आपने क्या पढ़ लिया, आपने ईओ को दे दिया इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, समझ गए मेरी बात। फिर बाद में क्या, जैसे आरएस का है, क्योंकि अब आरएस वाले क्या कर रहे हैं, ऐसे कुछ सब्जेक्ट है सीईटी का मान लो, यहां क्या है इंडियन पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की हिस्ट्री एंड कल्चर, और वापस जियोग्राफी, ये सब्जेक्ट तो सबके कॉमन है, चाहे आरएस पढ़ो, सीटी पढ़ो, या कोई भी एग्जाम पढ़ो, तो इनका भी आप साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो, और वो क्या कर रहे हो, सिलेबस एज इट इज है, आरएस का और इसका सबका, सीटी का सबका, एक लाइन का फर्क नहीं है इधर उधर का ही। तो आप इनको पढ़िएगा, पार्ट भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, कि सर कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर पार्ट भी हमारा दोबारा काम कब आएगा, लेकिन आप आम आए नहीं आएगा, आप नौकरी लग जाओगे तो क्या करोगे दोबारा काम लेके, आपको आपको टाइम पास स्टडी तो करनी नहीं है, करना ही है तो फिर सीरियस हो गए इस एग्जाम के लिए, तो फिर थोड़ा बहुत मत सोचो। तो ये आरएस के लिए सीटी वाले, अब साथ में क्या करेंगे, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट आपके पास है, मान लीजिए कोई मेंस का सब्जेक्ट है, आपने इथिक्स या पबेट या कुछ छोटा मोटा सोशियोलॉजी वगैरह, सारे जो लोग वगैरह बिहेवियर वगैरह, ये सब्जेक्ट क्या करोगे, वो सब्जेक्ट भी एक साथ में आप चला सकते हो, समझे मेरी बात में, कि जैसे आपने एक सब्जेक्ट आप क्या करोगे, इंडियन जो राजस्थान की हिस्ट्री का जो दिया मैंने वो पढ़ लिया, सभ्यताएं धारा 1 से लेकर 10 पढ़ लिया, और उसके बाद आपने क्या किया, जो आपका आरएस का है टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट है, एक साथ में पैरेलल में चला सकते हो। ऐसे ही क्या कर सकते हैं जो सीईटी वाले हैं, वो भी क्या करेंगे, अपना कोई सब्जेक्ट मान के चलिए, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, मैथ है, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट है, क्या करेंगे पैरेलल में चला सकते हैं, और कोई दूसरे साथ में एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं डेली, थोड़ा थोड़ा ईओ को भी जोड़ दे सकते हैं। आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि ईओ को छोड़िएगा मत, कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है जितना हवा बनाई जा रही है, कंपटीशन तब रहेगा जब ये देखा जाएगा कि आप लोग पहले से, जैसे आप देखा होगा ना इसमें कितने फॉर्म भरे, मान के चलिए कि 5 लाख फॉर्म भरते हैं, कितने तैयारी करते हैं, कितने आगे धीरे धीरे करके एलिमिनेट होते हैं, मैं बताऊंगा आगे। तो आप इसे डरिएगा मत, आप इसके साथ साथ इस ईओ को भी टारगेट रखिएगा, बहुत अच्छी पोस्ट है। यदि किसी का आरएस का सपना है और वो मान के चल रहा है कि मुझे आरएस बनना है और ऑफिसर बनना है, तो आरएस में इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, 40-50 किताबें हैं, मेंस डिस्क्रिप्टिव है, ऐसे करके, तो फिर वो
थोड़ा सा उसके लिए इतना जटिल और लंबा प्रोसेस हो जाता है, इससे अच्छा ईओ अच्छा है। तो मैं बात कर रहा था उसकी। और तीसरी चीज देखो, आप डे वन से ज्वाइन किया, 100 दिन का प्लान है, मई सेकेंड वीक, अभी अपने एग्जाम की डेट यही मान के चलेंगे, यही सच और सत्य है। जब तक आरपीजी कुछ नहीं करे अपने को कुछ नहीं सोचना है, ठीक है? ठीक है, वो डीएल भी अपना कोशिश कर रही है पहले एग्जाम कराने का, उनको जुड़ते वो उनका पॉइंट है, वो नेगोशिएशन क्या होता है, आरपीसी पास कैलेंडर है या नहीं है, जो भी होता है, ठीक है, ये चीज अपने को इस पर सोचने के लिए बातें नहीं है। तो आप डे वन से लेके इसमें जुड़ते हो, मान लो सबने फॉर्म फिल किया और आगे बढ़े, धीरे धीरे क्या करेंगे लोग यहां से लगे, मान के चलो मैं 100 स्टूडेंट की एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 स्टूडेंट जुड़े और फिर क्या हुआ, फॉर्म भरने के बाद में कुछ कोई दूसरे एग्जाम में लगे, धीरे धीरे एलिमिनेट होने लगे, कुछ एग्जाम से फ्री होके इसमें इसी कंपटीशन कवरेज के अंदर ऐड हुए, समझ में आ रहा है? ऐसे करते करते क्या मई आएगा, मान के चलिए 6 मंथ है, काफी टाइम है, लेकिन जितना टाइम ज्यादा होता है उतना कंपटीशन भी तो बढ़ता है ना। आप आज 3 महीने या 2 महीने खराब कर देते हो और फिर लास्ट में जुड़ोगे, तो फिर आप में रोज बाकी एग्जाम देके फ्री होके वो एग्जाम खुद देंगे, तो उनमें क्या फर्क रहेगा? तो आप इस कंपटीशन को ऐसे मत देखिए कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा, आप ये देखिएगा कि मुझे डे वन से लेके मई तक कैसे रहेगा। जैसे अपन ये फरवरी में टेस्ट से पूरी कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अपन ऑफलाइन एक टेस्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ऑफलाइन पूरे राजस्थान में करेंगे, चाहे वो चाहे गंगानगर में रह रहा है, सूरतगढ़ में, चाहे जोधपुर में रह रहा है, चाहे कहीं पे भी रह रहा है, वो राजस्थान में टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। और जो ये ज्वाइन करेगा उसको भी अपन क्या करेंगे, एक अलग से कंसेशन देंगे। तो फरवरी में बाद में क्या करेगा वो, बाद में उसके पास 2-3 महीने बचते हैं, ठीक है? तो वो क्या करेगा, इसका रिविजन करेगा और रिविजन करके कम से कम 5-6 बार रिविजन कर लेता है, जितनी बार होता है उसे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बार के लिए वो उस कंप्लीट प्रोसेस को फरवरी तक कर लेता है डे वन से लेके बहुत अच्छे से हर दिन। तो फिर क्या होगा कि उसको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे अब क्या पढ़ना है, मैंने काफी सारा पढ़ लिया, अब मुझे जितना ज्यादा हो सके रिविजन करना है। और फिर अपना क्या करना है, एक जो बुक हम ऑब्जेक्टिव बुक लेके आएंगे जितने भी हो सकते हैं, अब मान के चलिए देखो इसमें पूरे टेस्ट कितने क्वेश्चंस में, लगभग मान के चलता हूं जो पार्ट बी है 700 के लगभग क्या है ना, अराउंड क्वेश्चंस हो जाएंगे पार्ट बी भी में, आप प्रैक्टिस में ले आओगे। पार्ट ए में आप 2000 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आप जब 2500-3000 क्वेश्चन प्रैक्टिस में ले आते हो, आप पार्ट बी के मान के चलिए कि इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में ले आते हो, तो फिर बाहर जाएगा क्या, अपवाद स्वरूप जाए तो अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि ये जो प्रोग्राम है आपको एक, मैं बोल स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, आपको ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है? इतना ज्यादा सोचिए मत का, क्योंकि फीस भी कोई ज्यादा नहीं है, और ज्यादा है भी लग रही है तो मैं बोल सकता हूं उसको हम और भी स्पेशल डिस्काउंट दे देंगे। अब मैं बता रहा टेबल, वीक 2 वही बात, मॉडर्न हिस्ट्री है। डे वन में क्या दिया, देखो एक मैंने यहाँ अलग से टॉपिक दिया, राजस्थान का 1857 की क्रांति, ठीक है? और ये जो वर्ड दिया, शिक्षा और महिला, महिलाओं भूमिका, क्वेश्चंस आते हैं अपने इन टॉपिक पे स्पेशली क्या करना है, जोड़ देना है। राजस्थान 1857 की क्रांति अपने सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या कि एग्जाम में इसका क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, ठीक है? डे सेकेंड को अपन क्या पढ़ना है, जितने भी समाचार पत्र जो अपन टॉपिक दिया ऐसे, और डे 3 के अंदर क्या है, जो जनजाति और किसान आंदोलन है, और इस इधर के साथ साथ डे 1 में अपन ये पढ़ा, तो डे 2 में क्या, सॉरी पार्ट बी में क्या पढ़ा, ये जो वार्ड समिति और ये जो नियम वार्ड समिति का, इसका पढ़ा। फिर बाद में अलग अलग से सेक्शंस आप देख रहे होंगे, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ऐसे हर बाय डे अपन क्या करेगा, पूरा जो सिलेबस है, जितने भी टॉपिक है, एवरी टॉपिक को अपने क्या डिवाइड किया, आपको मेंटली क्लियर हो जाएगा कि हाँ। और यदि कोई स्टूडेंट सोच रहा है ना कि मैं
ये मेरे हिसाब से पढ़ना चाहता हूं, तो हो सकता है अलग से अपना शेड्यूल कर दे, लेकिन कम से कम इस शेड्यूल को भी साथ साथ में फॉलो कर सकता है। ये रही इसकी बात है। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे इसका, मैं ये बोल रहा हूं कि आपको टिके रहना है, चाहे आप दिन के 5 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन आपको डेली पढ़ना है। पहली शर्त यह है। दूसरी कि आप जितना पढ़ो उतना प्रैक्टिस भी करवाओ। अपन लोगों की थोड़ी सी एक थ्योरी होगी, राष्ट्र में एग्जाम में एक राजस्थान में कल्चर चल रहा है कि एग्जाम के लास्ट टाइम कूदते हैं मैदान में, वो अपने को नहीं करना है। जो लास्ट टाइम कूदते हैं वो लास्ट टाइम में कूदे रह जाते हैं, हाथ पैर तोड़वा लेते हैं। तैयारी कहते हैं कि एग्जाम की जब डेट डिक्लेयर हो जाती है, जब युद्ध शुरू हो जाता है, तब क्या होता है, औपचारिकताएं रहती है शेष। उससे पहले जितने भी अपना हथियार है उसको चमका लीजिए, तेज कर लीजिएगा, और सारी जितनी प्रैक्टिस करनी होती है युद्ध से पहले तब कीजिएगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम नजदीक आ गया और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब रिविजन कर रहे हो। तो अब आप इसकी फीस की बात, तो मैं ये बोल रहा हूँ जो स्टूडेंट इन्होंने कोर्स ले रखा है, ठीक है, उनको भी स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। फीस में इसकी आप ऐप डाउनलोड करके वहीं पे देख लीजिएगा, मेंशन कर दी जाएगी कोर्स बिल्ड करके, या मुझे व्हाट्सएप पर, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, मैसेज करके पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो। जो स्टूडेंट कोर्स परचेज कर रहे हैं उनको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है, वो जो भी होता है 50% जो भी होता है हम देंगे, एक डिजिट है जो भी होता है हम उसका प्रोमो कोड अवेलेबल करवा देंगे। तीसरी चीज, जो 100 स्टूडेंट है, मैंने पहले बोला जब हमारा कोर्स लॉन्च हुआ था 1999 में, तभी मैंने ये लाइन बोली थी, फर्स्ट 100 स्टूडेंट को क्या करेंगे, अलग से इसकी फीस होगी जो भी होती है 999 या जो भी, वो भी वहीं पे मेंशन रहेगी। जैसे कोर्स लॉन्च होता है, ये एचएसरी लॉन्च होती है, कल परसों से आप इसको कोर्स को परचेज कर सकते हो। और यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको लग रहा है कि मैं सर आर्थिक रूप से थोड़ा सा देने में असमर्थ हूँ, जैसे कुछ स्टूडेंट हमारे पास कॉल आए थे जो कुछ हैंडीकैप्ड है, या कोई और जो स्टूडेंट है जो पैसे देने में लग रहा है उसके लिए कि भाई 1000 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, तो हमने काफ़ी लोगों को फ्री में कोर्स दिया है, ऐसा नहीं है, फिर से कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो उसके लिए मैं अलग से कंसेशन दे देंगे। फिर भी बोलता हूँ कि यदि आपको 1000-1500 रुपये कोई फीस ज़्यादा लग रही है, तो फिर इस एग्जाम के बारे में मत सोचिए, क्योंकि 1000-1500 आप एक ड्रेस कम ले लीजिएगा। और ये चीज़ कैसे मैनेज कर सकते हो आप पढ़ाई के लिए, आप 5-7 किताब लाते हो, एक लाइब्रेरी में जाते हो, 1000-1500 रुपये देते हो महीने के, तो ये तो कम से कम 3.5 महीने का प्लान है। और कितना सारा टेस्ट इसमें दे रहे हैं हम, 65, क्योंकि बाकी आप कोचिंग वाले से टेस्ट से तुलना मत कीजिए, यहाँ हम दे रहे हैं 65 टेस्ट, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा होते हैं, और डेली दे रहे हैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस फीस की बाकी लोगों से कंपेयर मत कीजिएगा। थर्ड चीज़ इसके अंदर मैं ये बोलूँगा कि